मैं विनोद चौधरी आपका वीके सी मैथ सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 जिसमें अपन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब एक्सरसाइज का पांचवा क्वेश्चन है कि 408 और 1032 जो दो संख्याएं हैं इनके एचसीएफ को आप इस तरह से व्यक्त कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, 1032 एक्स माइनस 408 इंटू 5। तो आपको इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ये भी इन दोनों संख्याओं का क्या है, एचसीएफ है। और तो आप इन दोनों का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो अपन बराबर रख के और इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आप 408 और 1032 का जो एचसीएफ है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आप यूक्लिड विभाजन विधि से इसका एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। तो 1032 है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, 408 से है। तो आप 1032 को किससे डिवाइड करोगे, 408 से करोगे। तो 408 से डिवाइड करने पर दो बार तो हो जाएगा 816, तीन बार करोगे तो 1224 जो इसे बड़ा हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा भाग इसमें, दो बार। तो दो बार करने पर कितना आ जाएगा, ये 816। तो ये इसमें से माइनस करोगे तो 12 में से 6 घटाओगे तो 6 आ गया, और 2 में से 1 घटाओगे तो ये 1 आ गया, और इधर बचेगा 10, तो 10 में से 8 जाएगा तो ये 2। अब 216 का भाग इसमें दोगे 408 में, तो 408 में भाग दोगे तो दो बार करने पर कितना आ जाएगा, 432 आ जाएगा, जो कि बड़ा नंबर आ गया इससे। तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, तो 216, 8 में से 6 घटाओगे तो 2 आ गया, और इधर 10 में से घटाओगे तो 9 आ गया, और 3 में से 2 घटाओगे तो 1, 192 आ गया। 192 का भाग इसमें दोगे 216 में दोगे, तो 216 में भाग देने पर ये एक बार ही जाएगा, तो ये 192 आ गया। माइनस करने पर 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आ गया, या 11 में से 9 घटाओगे तो ये 2 आ गया। अब 24 का भाग 192 में दोगे, तो 24 का भाग 192 में दोगे तो 24 की टेबल में 192 है, 192 में 24 का भाग है वो कितनी बार जाएगा, 8 बार पूरा जाएगा, तो ये आ गया 192। माइनस करोगे तो कितना आ गया, ये 0। तो यहाँ पर ये 192 में 24 का भाग देने पर 8 आया है। तो लास्ट कंडीशन के अंदर जब आपको R की वैल्यू 0 मिले तो यहाँ इसका एचसीएफ कितना हो गया है, 24 हो गया है। तो ये इतना क्वेश्चन तो आपने अभी इससे पहले चौथा वाला क्वेश्चन किया था वो किया था, लेकिन अब आपको क्या दे रखा है इसमें कि अगर इन दोनों का आप एचसीएफ निकालते हो तो इस एचसीएफ को आप इस रूप में भी लिख सकते हो, यानी ये भी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है और जो 24 निकाला है वो भी एचसीएफ है। तो ये दोनों एचसीएफ क्या होंगे, फिर बराबर होंगे। तो इन दोनों को अपन बराबर करते हैं और इस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, यानी उस क्वेश्चन का एचसीएफ जो आपको एचसीएफ गिवन था क्वेश्चन के अंदर वो 1032x माइनस 408 इंटू 5 था। तो ये भी एचसीएफ है और अपने जो अच्छे निकाला वो कितना निकाला, 24। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन दोनों को इक्वल करते हैं अपन। तो अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं एक इक्वेशन की तरह। तो 1032 एक्स माइनस 408 का 5 से करेंगे, 5 8 40 हो गया, 4 5 का 0 से करेंगे 0, तो ये 4 और 500 का कितना हो गया, ये 20 हो गया, बराबर में आगे कितना है, 24 है। तो ये माइनस में, तो इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 1032 एक्स बराबर 24 में इधर जाके ये 8 हो गया, 2040 इसमें जोड़ने पर कितना आएगा, ये 2064 आ गया है। अब आप x का मान निकालोगे तो ये x के गुणा में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 2064 में 1032 का भाग लग जाएगा, तो ये डिवाइड पूरा होगा, दो बार जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया है, 2 आ गया है।
तो इस तरह का क्वेश्चन भी बोर्ड में 2 नंबर का पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर इस एक्सरसाइज का। तो ये थी एक्सरसाइज 2.1 है, उसका क्वेश्चन 4 और 5 अपन ने किया है। अब आगे क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 बचे हुए हैं, तो इन तीनों क्वेश्चनों को अपन कल की क्लास में लेंगे। करके आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और उन वीडियो को आप देख करके अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रख सको। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।